Ladies and gentlemen, the show starts in 3, 2, 1, go. फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है हम लोगों का, वो मैथ का टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है सिलेंडर, और इस सिलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम लोग बहुत बेसिक से हम लोग जानकारी इसको अध्ययन करेंगे, ठीक है? चलिए, और इस टॉपिक का पहले जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है? जो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम एरिया ऑफ कर्व एंड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हैविंग रेडियस ऑफ द बेस एंड 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सिलेंडर कैसे होता है, सिलेंडर क्या होता है। तो सिलेंडर के पहले क्या बनाएंगे, सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे, ठीक है? ये आपका बेलनाकार हो गया, ठीक है? इसको बोलेंगे सिलेंडर, या हिंदी में बोलते हैं बेलन, ठीक है? तो यहाँ पर इसको लिखने के अकॉर्डिंग हो गया। अब यहाँ पर हमको एक एक करके निकालना है, ठीक है? एक एक करके हमको सोल्यूशन ज्ञात करना है। सोल्यूशन कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहला जो ज्ञात करना है, वॉल्यूम ज्ञात करना है। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम ज्ञात करना है? तो वॉल्यूम क्या ज्ञात करना है? सिलेंडर का। तो सिलेंडर का वॉल्यूम हम यहाँ पर लिख दिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सो सिलेंडर इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर एच। चलिए, तो इसको सोल्यूशन करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, मुझे ज्ञात करना है वॉल्यूम। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ एल है सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां पर हमको ये देखना है, मतलब बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन का जो फॉर्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें हमको बिठा देना है, क्या बिठाना है? पाई का मान क्या होता है? 22/7 इंटू आर का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पर मुझे दिया हुआ है आर 14 सेंटीमीटर, हेयर आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर एंड हाइट तुम्हारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या करेंगे? तो 22/7 हो गया, आर का वैल्यू यहाँ पर 14 उतारेंगे इंटू 14, और एस का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 30, और ये क्या चीज़ में? सेंटीमीटर में। तो लास्ट में सेंटीमीटर लिखना है, और ये वॉल्यूम जब आएगा तो वॉल्यूम का मतलब होता है क्यूब, ठीक है? अब यहाँ पर लिखेंगे इस टर्म को, देखिए इस टर्म और इस टर्म कट रहा है, तो इसको दोनों को गुना कर दिया आपस में, तो 22 × 9 हो जाएगा 44, और इसमें गुना करेंगे तो 14 × 42, ठीक है? 14 × 42। अब इस दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा, तो गुना करने में कैसे रफ में ही गुना करते जाइए, लेकिन 420 इंटू 44 गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा? 08 4×16 इंटू 0, और ये हो जाएगा 4×8, ये हो जाएगा 18,480 क्या आया? ये सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका पहला आंसर आपका आ गया है, ठीक है? पहला जो आंसर था वो आपका कितना आ गया? 18,480 सेंटीमीटर क्यूब आया। ये जो लाइन होता है ना, इसी को बोला जाता है एच, और ये जो लाइन होता है इसको बोलते हैं रेडियस। सर्कल को पूरा है, ये लाइन को पूरा मिला देंगे तो ये व्यास कहलाएगा, डायमीटर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है? चलिए, अब जो अब तो ये निकल गया फर्स्ट, अब निकालना क्या है? एरिया ऑफ कर्व। तो एरिया ऑफ कर्व का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ कर्व का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 2πRh होता है। तो चलिए, इसको रफ में लिख लीजिएगा और इसको आगे चलते हैं, ठीक है? मिटा रहे हैं। ये क्वेश्चन है आपका। अब सेकंड जो पार्ट था, हमको क्या निकालना है? एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। तो अब क्या करेंगे यहां पर? 2πRh, आर का वैल्यू दिया हुआ है और एच का भी वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को क्या करेंगे? बैठा देंगे, तो क्या आएगा? तो लिखेंगे 2 तो 2 हो जाएगा, पाई का मान होता है 22/7,
और आर का वैल्यू मुझे दिया हुआ है 40, तो 40 लिखेंगे। और एज का वैल्यू होता है 30, एज का मतलब हो जाता है ऊंचाई, यहाँ पर आर का मतलब हो जाएगा त्रिज्या, यहाँ पर हो जाएगा 30, और ये सेंटीमीटर जा रहा है, ठीक है। कि एरिया जब भी होता है तो स्क्वायर में होता है, और जो वॉल्यूम होता है वो क्यूब में होता है आंसर। अब यहाँ पर देखिए ये 14 कट रहा है दो बार में, अब देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 44 इंटू, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 60, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब क्या करेंगे, इस दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो ऐसे गुना करिए 6 बार में करिए, 1 0 लास्ट में बैठा दीजिएगा, 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 2 26 और 1 0 बैठाइए, मैंने 2660, यहाँ लिखेंगे 2640 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर मैंने दो चीज़ को निकाल दिया, एरिया ऑफ सरफेस एरिया, और दूसरा निकाले हैं क्या, वॉल्यूम निकाले, और एक जो लास्ट बच रहा है क्या है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच होता है, ठीक है। अब चलिए उस फॉर्मूला को यहाँ पर बैठाते हैं, वो फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस ऑफ एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2πr इंटू आर प्लस एच, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये 2πr एच है, तो 2πr के एक जगह बैठा दीजिए तो आएगा 2 22/7, आर का वैल्यू क्या है 14 लिखिए इन, इसको ब्रैकेट अभी बंद रहने दीजिए, ठीक है, आर का वैल्यू क्या है 14 और एच का वैल्यू क्या है 30, इस दोनों को यहाँ पर लिख रहे हैं, इस दोनों को क्या करिए ऐड कर दीजिए, तो 2 से कट जा रहा है दो बार में, ये होगा 22 44, ठीक है। उसके बाद ये दोनों को आपस में जोड़िए, 2 14 30 कितना हो जाएगा 44, फिर दोनों को सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 44 इंटू 88, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 88 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 चौका 32 8 चौका 32 और 3 35, 3 2 8 चौका 32 8 चौका 32 और 3 35, 2 7 8 3, मैंने 38 72 आएगा, ठीक है, इसका जल्दी आंसर आएगा 38 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्यूशंस कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन था ये आपका था, एक क्लास 9th का आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, ये 14 चैप्टर में पढ़ना है सिलेंडर, इसके जस्ट आगे जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ना है सिलेंडर, और सिलेंडर के साथ हमें बहुत सारे क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन के साथ में हमको फिर आएगा, ठीक है, सर भी तैयार करेगा, क्वेश्चन भी बना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। ये वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, थैंक यू।